हमारे आज के वीडियो में आप देखोगे पांच ऐसी पैरानॉर्मल घटनाएं जो बिल्कुल सही टाइम पे कैमरा में रिकॉर्ड हो गई, नहीं तो कोई भी इन पे बिलीव नहीं करता। सो बिना आपका टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नंबर 5, इस लड़की का कहना है कि जब ये रात को सोने जाती है तो इसे महसूस होता है कि कोई चीज इसे या इसके ऊपर ली हुई चादर को हिलाती है। इसी चीज का पता लगाने के लिए इसने एक कैमरा भी लगवाया, लेकिन जब उस कैमरा की फुटेज निकल कर आई तो इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कोई चीज जहां साइड में इसके ऊपर ली हुई चादर को खींच रही है। लड़की का कहना है कि यहां इस टाइम पे मैंने उठकर भी देखा था, लेकिन मुझे उस टाइम पे यहां कुछ दिखाई नहीं दिया। नंबर 4, ये वीडियो किसी न्यूज चैनल पर भी दिखाया गया। उनका कहना है कि कुछ लड़के इस पार्क में इन पुतलों की वीडियो बना रहे थे, लेकिन जब उन्होंने इस लड़की के पुतले की वीडियो बनानी शुरू करी तो ज्यादा टाइम फ्लैशलाइट उसकी आंखों में पड़ने की वजह से उसने ये किया। नंबर 3, इंग्लैंड के एक म्यूजियम में यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों ने नोटिस किया कि ये प्राचीन इजिप्शियन स्टैचू खुद से ही हिल रहा है, जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हो। लेकिन जब रिसर्चर्स ने इसकी जांच करी तो उनका कहना है कि ये बस वहाँ आने वाले लोगों के चलने की वाइब्रेशन से हो रहा है। ये मूर्ति बस उतना टाइम ही घूमती है जब वहाँ लोग चलते हैं। रात के समय ये एक ही जगह पे रहती है क्योंकि तब वहाँ पे कोई भी वाइब्रेशन नहीं होती, लेकिन फिर भी कई लोग इस बात से संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना है कि ये मूर्ति पिछले 80 सालों से यहीं पे है, पहले तो ये कभी खुद से नहीं हिली। नंबर 2, ये लड़के और इसका भाई साथ बैठे खाना खा रहे थे, लेकिन फिर ये लड़का किसी काम से वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ये लड़की किसी इनविजिबल फोर्स से बात करते हुए कहती है। फिर वो ये खाना छोड़कर चला जाता है। नंबर 1, ये वीडियो एक सीसीटीवी कैमरा से ली गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि ये लड़की इन सीढ़ियों से नीचे जा रही थी, लेकिन तभी इसे वहाँ एक शैडो दिखाई देती है, जिसे देख ये वहाँ से भाग जाती है, लेकिन ये शैडो भी इसका पीछा करती है। वेल, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो में से आपको सबसे क्रीपी पार्ट कौन सा लगा नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।